हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि की रेसिपी। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और न्यू हेल्दी रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा बेस, और जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं रागी के आटे का। सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल, और इसमें हम लेंगे आधा आटा आधा रागी। तो यहाँ पे हम लेंगे हाफ बाउल आटा, और अब लेंगे हम हाफ बाउल रागी। तो रागी का आटा आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अब इसके अंदर हम डालेंगे हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा, और 1 टीस्पून हम लेंगे इसमें बेकिंग पाउडर, इसको हम छान लेंगे जिससे इसमें जो गुठलियाँ होंगी वो अलग हो जाएंगी। इसके अंदर ऐड करेंगे हम सॉल्ट, तो सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और इसको मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी हम मिलाते हुए सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। आटे की कंसिस्टेंसी आप बीच बीच में चेक कर सकते हैं कि कैसा है, क्योंकि हमें बहुत टाइट नहीं गूंथना है। तो यहाँ पे हमारा स्मूथ डो बनके तैयार हो गया है, और इसको हम रख देंगे 45 मिनट के लिए। तो 45 मिनट हमारे हो गए हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट डो बनके तैयार हुआ है। अब इसको हाथ से हम और सॉफ्ट करेंगे, और इसके 2 पार्ट करेंगे। पहले पार्ट को लेके हम इसे गोल राउंड बॉल बना लेंगे। तो रागी का आटा थोड़ा स्टिकी होता है, तो हमें इसको बेलने के लिए थोड़ा आटे की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैंने सूखा आटा डाला है, और इसको बिल्कुल रोटी की तरह ही हमने बेलना है। बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। काफ़ी हेल्दी रेसिपी है, इससे जो हमारे पिज़्ज़ा तैयार होंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे और हेल्दी भी होंगे। और आसानी से आटा मिल जाता है, तो हम आसानी से इसे घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने होल करने हैं, तो मैंने फोक लिया हुआ है। तो दोनों तरफ हम इसे फोक करेंगे, जिससे आटा जो हम ये हमारा पिज़्ज़ा जो है फूले नहीं। तो तवा मैंने गर्म करने रख दिया था पहले ही। तो इसको हमने हल्का ही कुक करना है, बहुत कुक नहीं करना है। सिर्फ इसमें हल्का सा ब्राउन हो जाए दोनों तरफ, उतना ही हमने कुक करना है। तो देख सकते हैं दोनों तरफ ब्राउन हो गया है, तो हमारा ये पिज़्ज़ा बेस बनके तैयार हो गया है। ऐसे ही हम और पिज़्ज़ा बेस भी तैयार कर लेंगे। तो रागी जो है बहुत हेल्दी रहता है, फाइबरस है, ग्लूटेन फ्री है, डायबिटीज लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, तो काफ़ी हेल्दी फ्लोर है। तो ऐसे ही हम और पिज़्ज़ा बेस बना के तैयार कर लेंगे। तो रागी ऐसा फ्लोर से काफ़ी सारी रेसिपीज बनाई जा सकते हैं, जैसे इडली, रोटी, पराठा, पिज़्ज़ा बेस। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।
यहाँ पे हमारे पिज़्ज़ा बेस बन के तैयार हो गए हैं। अब हम बनाएंगे इसके बाद पिज़्ज़ा।